कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में कड़ी सुरक्षा के बीच स्टेशन के बंद यूनिट नंबर 5 की 90 मीटर ऊंची चिमनी को धराशायी कर दिया गया। प्रक्रिया में 3 घंटे लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में चिमनी ढह गई। 200 मेगावाट क्षमता की इस इकाई को 1978 में चालू किया गया था। अवधि पूरी होने के बाद 2017 में इस इकाई को बंद करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही 210 मेगावाट क्षमता की इकाई संख्या 6 और 7 को भी इसी कारण से बंद कर दिया गया था। इसमें से इकाई संख्या 5 को कबाड़ के रूप में नीलाम करने का निर्णय लिया गया और ठेका चिन्नर स्टील कोलकाता को 78 करोड़ में दिया गया। इसमें चिमनियों को तोड़ना भी शामिल है। इस काम में माहिर माने जाने वाली दिल्ली की एक कंपनी ने मंगलवार दोपहर चिमनी को गिराने का काम शुरू किया। करीब दो घंटे तक चिमनी का एक किनारा दो पोकलेन से कटता रहा। शाम 5:30 बजे चिमनी ढह गई। चिमनी को गिराते समय काफी सावधानी बरती गई। 100 मीटर क्षेत्र को खाली करा लिया गया और बैरिकेटिंग कर दी गई। यह काम विशेषज्ञों की मौजूदगी में किया गया। बारिश के कारण चिमनी गिरने के बाद धूल नहीं उड़ी। क्षतिग्रस्त इकाई के साथ ही 210 मेगावाट की संख्या 7 की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस इकाई की चिमनी भी आने वाले वर्षों के लिए इतिहास बन जाएगी, जबकि 210 मेगावाट की इकाई संख्या 6 को 15 वर्षों के लिए फिर से चालू कर दिया गया है। राजेश खंडारे, विदर्भ स्टार न्यूज़।